वही गैरकानूनी संस्था घोषित होने के साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। पिछले कई दिनों की छापेमारी में सबूतों के मिलने के बाद केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला लिया। पीएफआई ने वैसे तो पूरी दिल्ली में अपनी जड़ें फैला रखी थी, लेकिन शाहीन बाग और जामिया नगर क्षेत्र इनका गढ़ बन चुका था, जिसके चलते शाहीन बाग स्थित पीएफआई के दफ्तर पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। वहीं जहां इस दफ्तर पर पीएफआई का बोर्ड लगा हुआ था, प्रतिबंध लगने के बाद उसे भी उतार दिया गया। देश की संप्रभुता, अखंडता, देश के संविधान, इससे अगर कोई व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हम समझने और समझाने वाले लोग हैं, हम समझते भी हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझने और समझाने से अगर कोई बाद नहीं आएगा तो ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा, नया भारत है। तो इस देश के अंदर ISI की फंडिंग के कारण से इस देश में तालिबानी प्रवृत्ति के लोग जो इस देश के संविधान और इस देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आने वाली जनरेशन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ाद तो देश 1947 में हो गया था, और जिनको लगता है ये देश आज़ाद नहीं है तो ये बंटवारा भी उसी आधार पर हुआ था। वो पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन दो भाई हैं, अलग हो जाए और एक भाई बेईमानी करके दूसरे भाई के घर में फिर घुसने का प्रयास करे तो उसको तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश ने 56-57 साल वोट बैंक की राजनीति के कारण बहुत बर्दाश्त किया है। अब ये मोदी जी का भारत है, नया भारत। केंद्र सरकार के द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और पूरे 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और अभी हम शाहीन बाग में पहुंचे हैं जहां पर PFI की ये ऑफिस थी। और हम आपको बता दें कि कल तक इस ऑफिस पर जहां पे बोर्ड लगा हुआ था, जो वहीं से बोर्ड हटा भी लिया गया है, तो वहीं शटर जो है वो लॉक है जहां पे PFI की ऑफिस थी और ऑफिस खुला हुआ था। तो वहीं हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मीडियाकर्मी भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही पुलिसकर्मियों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। और ये PFI का वही ऑफिस है जहाँ पर कल छापेमारी की गई थी। और छापेमारी के बाद इस PFI को पूरी तरह से देश भर में जितने भी PFI के ऑफिस हैं उन्हें 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अभी हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मौजूद है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आम दिनों की तरह ही आज भी लोग आवाजाही कर रहे हैं और धारा 144 इस एरिया में लगाया गया है। दिल्ली से हरिकिशोर शाह, जनतंत्र TV।